जय श्री राम मैं शुभ नमो हरिहंतान नमो सिद्धान नमो आयुधान नमो वज्रायान नमो लोई सब साहो वंदे तु सब सिद्ध धूम चलमणोगम पते वाचा विषय पाहु मनमाशुद केवली वंदे नमः समय साय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वावाय उन्नीस नंबर का कलश इसके बाद सत्रह अठारह नंबर का था शुरू हो जाए कलश कल लिया था थोड़ा सा शाम को इसका सूक्ष्म भाव है पता नहीं उपयोग लग जाए इतनी बात है सूक्ष्म चर्चा थोड़ी सी सूक्ष्म मतलब शब्दों में तो सब जानते हो शब्दों में तो जानते हो लेकिन उसका भाव है थोड़ा पढ़ के बताता हूँ कलश का भाव है आत्मा के शुद्ध स्वभाव की साक्षात प्राप्ति अथवा सर्वथा मोक्ष साध्य है आत्मा मेचक है या अमेचक है ऐसे विचार ही मात्र करते रहने से साध्य सिद्धि नहीं होता परंतु दर्शन मुझे तीन शब्द सुनना ध्यान दर्शन अर्थात शुद्ध स्वभाव का अवलोकन ज्ञान अर्थात शुद्ध स्वभाव का प्रत्यक्ष जानना और चारित्र अर्थात शुद्ध स्वभाव में स्थिरता से ही साध्य की सिद्धि होती है साध्य अर्थात मोक्ष की सिद्धि होती है यही मोक्ष मार्ग है अन्य नहीं साध्य की सिद्धि होती है मोक्ष की भी सिद्धि होती है पर यही मोक्ष मार्ग है अन्य नहीं व्यवहारी जन पर्याय में भेद में समझते हैं इसलिए यहाँ ज्ञान दर्शन चारित्र के भेद से समझाया है उन्नीस नंबर का कलश है सत्रह अठारह नंबर की गाथा शुरू होगी ये कलश फिर उठा रहे हम इस टीका में थोड़ी सी विशेषता है यह सम्यक दर्शन में अवलोकन शब्द आया इससे बहुत ही भ्रम फैला है बहुत क्योंकि अवलोकन का मतलब होता है दर्शन यह दर्शन का अर्थात अवलोकन नहीं लेना यहाँ पर यहाँ दर्शन के अर्थ क्या लिख दिया अवलोकन अवलोकन समझते हो मत ज्ञान होता है मत ज्ञान स्रोत ज्ञान तो दो तरह का उपयोग होता है एक दर्शन उपयोग और एक ज्ञान उपयोग आत्मा में दो गुण होते हैं दर्शन और ज्ञान तो ज्ञान होने के पहले दर्शन में सामान्य अवलोकन होता है क्या कहा ज्ञान होने के पहले दर्शन में सामान्य अवलोकन होता है उसको अवलोकन कहते हैं दर्शन गुण यहाँ चर्चा चल रही सम्यक दर्शन यहाँ सम्यक दर्शन के स्थान पर श्रद्धा नहीं लिया प्रतीति नहीं ली अनुभव नहीं लिया अवलोकन शब्द डाल दिया इस पर से बहुत 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 ही कंफ्यूजन हुए और अभी ये समझो कि आत्मा का अनुभव करना हो तो अवलोकन करो हैदराबाद साइड और काफी जगह ये अवलोकन पकड़ करके वो अवलोकन अवलोकन की विधि आत्मा के अनुभव की विधि माने अवलोकन की विधि माने बहुत चर्चा चलती इस पर और सब इसी की नजर करते कि वो आत्मा को देखो माने वो दर्शन गुण की तरह से ले लेती टोटोमेजी साहब ने खुलासा किया जिन्होंने स्वाध्याय किया टोटोमेजी साहब ने सब खुलासा किया यहाँ दर्शन माने दर्शन गुण नहीं लेना यह दर्शन माने श्रद्धा लेना जहाँ जहाँ भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी शब्द आए वहां पर सम्यक दर्शन माने श्रद्धा गुण लेना दर्शन गुण नहीं लेना तत्वार्थ की टीका में भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी के बहुत विस्तार से चर्चा की है तो दर्शन माने अवलोकन नहीं लेना लेकिन हम यहाँ अवलोकन से भी श्रद्धा का अर्थ लेंगे ये समझो लिखा तो है अवलोकन अवलोकन समझते अवलोकन माने सामान्य पने से देखना
अवलोकन का मतलब सामान्य पने से देखना। तो यह अवलोकन का अर्थ भी श्रद्धा के अर्थ में लेंगे। सभी लोग जानते हैं, नहीं भी जानते तो अभी जानो, विशेष दृष्टि का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, सामान्य दृष्टि का नाम सम्यक दर्शन। क्या बोला हमने? सामान्य दृष्टि, सामान्य दृष्टि सुनो, सामान्य दृष्टि तेज सम्यक दृष्टि, गुजरात में सौम्य में सुनो सामान्य दृष्टि तेज सम्यक दृष्टि। तो यहाँ सामान्य दृष्टि का मतलब हाँ द्रव दृष्टि, मन में गुण पर्याय का भेद नहीं करना, इसका नाम सामान्य अवलोकन। समझ आया? यह अवलोकन कर तो अपन श्रद्धा में लेंगे, अवलोकन कर दर्शन गुण में नहीं लेंगे। तो सामान्य दृष्टि माने जिसमें गुण पर्याय का भेद नहीं है। समझाने के लिए थोड़ी इस तरह की चर्चा भी होती है, गुण पर्याय से भी पार, गुण पर्याय से भी पार। पार का मतलब इस कथन का भेद है, द्रव्य से द्रव्य गुण पर्याय तीनों सदा होते हैं, वस्तु में द्रव्य गुण पर्याय सदा होते हैं। ऐसा नहीं द्रव्य अकेला है गुण पर्याय नहीं, मतलब एक को देखे और एक को, ऐसा नहीं। लेकिन सच्ची बात बता रहे हैं, मुझे यही प्रूव करना, थोड़ी सी चर्चा में थोड़ी मेहनत लगेगी यदि कहो तो, नहीं ज्यादा बेसिक सहेली नहीं स्थूल सूक्ष्म बात थोड़ी, कितने लोग पकड़ेंगे तो मैं नहीं जानता पकड़ सकते हैं सरल चर्चा, लेकिन अच्छे से देखेंगे तो गैप मत छोड़ रहे है ना। नहीं समझ में आया तो थोड़ा हाथ ऐसा करना, वैसे हम पूरी कोशिश करेंगे सरल शब्दों में दृष्टांत भी देने की कोशिश करेंगे, दृष्टांत तो सरल हो जाएगी। फिर से सामान्य अवलोकन माने श्रद्धा गुण लेना, बस पहले तो समझो श्रद्धा का काम क्या पता है, श्रद्धा का काम वही है अभेद देखना। श्रद्धा में भेद नहीं होता, श्रद्धा में परसेंटेज नहीं होता, श्रद्धा में कुछ होगा तो 100 क्या, तो हमारी श्रद्धा क्या है? भारत, भारत में रहते हो तो तुम कितने परसेंट भारतीय मानते हो अपने आप? 100% मानते हैं। अब इसे जी भेद नहीं है खंगियादाना कि मध्य प्रदेश कि उत्तर प्रदेश, क्यों कहां तक मानते हो? सब ज्यादा से ज्यादा हमारा काम पड़ता है खंगियादाना से उत्तर प्रदेश के झांसी तक या दिल्ली तक, तो हम तक 30% भारतीय, हम कभी गए ही नहीं उत्तर भारत और दक्षिण भारत में, इससे कोई मतलब नहीं आप गए कि नहीं गए, लेकिन आप 100% भारतीय मानोगे, बराबर है ना। ऐसे इसमें लगाओ कि हम 100% आत्मा ही है, गुण पर्याय का भेद दिखाई देने पर भी, दिखाई देने पर भी मतलब ज्ञान गुण पॉइंट समझे जरा, मेरी उंगलियां देखा, ये सम्यक दर्शन, ये सम्यक ज्ञान, ये सम्यक चाहिए, मतलब श्रद्धा ज्ञान और चार तीन गुण हो गए बराबर। द्रगुण पर्याय जब हम ऐसा जानते ना उसी का नाम ज्ञान गुण, और जब द्रगुण पर्याय का भेद नहीं दिखाई देता उसी का नाम श्रद्धा है। और अवेद जानने के बाद जो आनंद होता है वो चार, फिर से बोलता हूँ इतना ही प्रूफ करना है मुझे। क्या कहा हमने, क्या कहा? द्रव गुण पर्याय का भेद जानने में आता है ना उसी का ही नाम ज्ञान गुण, क्योंकि ज्ञान का काम ही है भेद अभेद को जानना, ज्ञान का काम ही है। जैसे क्या अभिदल नाम, क्या नाम था अभिदल, तुम एक हो कि पांच, एक हो है ना, एक ही है तो पांच इंद्रिय नहीं है, पांच इंद्रिय। अब जो पांच इंद्रिय जान रहे ना ये इसी समय ज्ञान गुण काम कर रहा है, पांच इंद्रिय जान रहा है और एक एक अब एक ही जान रहे हैं। अब हम एक बात पूछ रहे, ज्ञान और श्रद्धा एक साथ काम करते हैं, ध्यान से ना, करता तो चार इंद्रिय पहले ज्ञान श्रद्धा को समझा रहे। तो जिस समय ज्ञान कहते हैं ना मैं पांच इंद्रिय वाला हूँ, श्रद्धा कहते हम तो एक हैं, क्या लगती है श्रद्धा क्या आती है, हम तो एक हैं। जैसे कल परसों दृष्टांत दिया था तो लोग बदल भी गए थोड़े, तो फिर दृष्टांत दे रहे इसको, क्या तुम रोटी खाते हो कि मुंह रोटी खाता, बता दोनों इसको कौन सा उत्तर सही, बता तुम रोटी खाते हो कि मुंह रोटी खाता, दोनों खाते हैं, दोनों एक साथ कैसे खाते दोनों कि देखो जब आप कहते हैं ना मुंह से रोटी खाते थे ये ज्ञान की बात है, और मैं रोटी खाता हूँ ये श्रद्धा की बात है, पकड़ में आई बात, श्रद्धा और ज्ञान समझ में आई आपको बात,
माने उसी समय श्रद्धा काम कर रही है, उसी समय ज्ञान काम कर रहा है। टेस्ट पसंद नहीं आया तो किसको पसंद नहीं आया, तुमको या रसनेन्द्रिय को? अब तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, जब तुम भोजन करते हो कभी भी तुमने कभी सोचा कि मैं अलग रसनेन्द्रिय अलग? क्यों इतने बड़े शरीर में रसनेन्द्रिय को भोजन पसंद नहीं आता? मत आने दो, 1% इंद्रिय है इतने बड़े शरीर में, क्यों 5% मान लो, तो 5% को पसंद नहीं आया तो 95% को पसंद आ गया? बोल 95% शरीर को भोजन पसंद आ गया कि नहीं? नहीं, रचना इंद्रिय अकेली नहीं है, मैं हूँ। तुम सुन रहे हो कहाँ सुन रहे हैं? बताओ भाई राजू कहाँ सुन रहे हैं कि तुम सुन रहे हैं? अब कान सुन रहा है ये ज्ञान कहेगा, कान सुन रहा है ये ज्ञान कहेगा, और उसी समय तुम क्या मैं सुना? मैंने सुनी, हमने अपने कानों से सुनी, हमने सुनी, मैंने देखा। श्रद्धा क्या बोल रही उसी समय? अभेद। और जितना भेद को जान रहा है वो ज्ञान। आए बात समझ में आ गई? अब चारित क्या है इसमें? चारित, जब तक हम भेद को जानते हैं हमें आनंद नहीं आता, और जैसे ही अभेद को जानते हैं तो आनंद आता है। ये चारित्र हो गया। क्या बोला, क्या लक्षण बनाया मैंने? भेद को जानते हैं तो हमें आनंद नहीं आता, और अभेद को जानते हैं तो आनंद होता है। इसका भी दृष्टांत दे दे रहे। अब तीनों का एक साथ दृष्टांत चलेगा, तीनों का दृष्टांत। रसगुल्ला खाया कभी? गुलाब जामुन क्या तू चाहे? गुलाब जामुन खाई तो तुमने कितनी चीजों का स्वाद लिया? एक का कि पांच चीजों का? बोलो, एक रसगुल्ला खाया एक का स्वाद आया कि पांच चीजों का स्वाद आया? अब एक का स्वाद कह रहे हो ये श्रद्धा है, लेकिन हम एक बार बताओ, एक माने तो उसने पांच चीजें डाली, तुमने ये कौन एक काय को स्वाद था? घी में तले गई, मैदा है उसमें, मावा है, शक्कर है, इलायची है, किशमिश है, छह आइटम तो हमने कर ही दे। अब बताओ तुमने काय का स्वाद लिया छह में से? एक कह रहे हैं तुम, एक का स्वाद लिया तो एक का स्वाद आया कि छह का स्वाद आया? और जिस समय पर रसगुल्ला खाते हैं ना ऐसा मजा आता है, ये मजा चारित्र है। अवेद जानते हैं तो आनंद आता है, ये चारित्र है। अवेद जानते हैं ये श्रद्धा है, वेद भी जानते हैं ये ज्ञान है, आनंद आता है ये चारित्र। फिर से रसगुल्ला खाया गुलाब जामुन, हम रसगुल्ला कहें तो आप गुलाब जामुन समझ लेना, क्योंकि रसगुल्ला गुलाब जामुन अंतर होते हैं, हमें ज्यादा हमारे दिमाग में वो रसगुल्ला ही हो है, समझ आया? तो अब बोलो हम क्या पूछ रहे थे? तो तुमने कभी रसगुल्ला खाया तो अब होगा क्या? अब समझो, तुमने मुंह में रसगुल्ला रखा, अब तुमने उसके छह भेद करी, छह भेद करी तो मजा आएगा। अब कोई व्यापारी हो, व्यापारी माने बनिया आदमी, कंजूस हो, बनिया हो, तो ऐसे विकल्प कर रहा है, मुंह में रसगुल्ला रखा और ऐसे विकल्प कर रहा है, देखो कम से कम 5 रुपए का तो होगा। नहीं नहीं मेरा ये 5 रुपए का तो 10 साल पहले मिला था, अब तो पक्के में 10 रुपया हो गई। फिर वो सोच ले, नहीं नहीं 10 को तो बहुत बड़ा बात बाजार में, ये तो घर की घरेलू छोटी छोटी, ये तो 5 ही को समझो। फिर 2 रसगुल्ला खाए तो 10 रुपये भाई, 11 रुपये लिफाफे में 11 थे, 1 रुपये घाटे होगा। मतलब इस व्यक्ति को आनंद आएगा कि नहीं आएगा? जो इतने हिसाब किताब लग रहा है गुलाब जामुन खाते समय और भेद प्रवेद कर रहा है जितने, क्यों गाय का दूध है कि भैंस का दूध, शक्कर कौन सी कंपनी की है, बनाने वाली बाई कौन है? हमने सुना इनके इंदौर वाली आए बनाने वाली, बड़ी अच्छी रसगुल्ला बनी। मैंने वो यार दिमाग चला रहा है, बताओ रसगुल्ले का आनंद ले पाए कि नहीं ले पाए? बोला तो एक ही समय में तीनों गुण अपने अपने काम कर रहे हैं, एक ही समय में श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों काम कर रहे हैं। अब तुम अपने में लगा, अब जैसे रसगुल्ले का दृष्टांत हो गया, रसगुल्ले ये क्या समझोगे आप? गुलाब जामुन ध्यान रखना, कई बार मेरे ख्याल से रसगुल्ले में 6 चीजें नहीं होती होंगी,
मतलब केवल दूध ही दूध होता, मावा छेना क्या खिला दी, जो भी कुछ होता अपन चक्कर नहीं पड़ती है। लेकिन नाम ये समय अब अभी आत्मा में लगा, बोलो तुम्हें क्या लग रहा है। यदि तुम्हें ऐसा लगता है मैं ज्ञान वाला हूँ तो मेरा शोषण देखो, मेरी पंडिता देखो, मैं पढ़ाई देखो, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, क्या समझ रखा है तुमने, तो ये दुखी है, ये दुखी है, दुखी है जगह में दुखी क्यों, जब तक तुम भेद को जानोगे दुखी होगे, जब तक भेद का विचार करोगे आप दुखी। गुलाब जामुन दर्शन दिया ना, जब तक भेद को जानेगा दुखी रहेगा, फिर क्या करें, बोलो करें क्या, कि समझो जितना इतना भेद का जानना है वो ज्ञान का काम है। केवल भगवान का ज्ञान भी लोकल लोग को जानता है, द्रगुण पर्याय को जानता है, और श्रद्धा से पूछो तो उसमें द्रगुण पर्याय का भेद नहीं है, और चारित्र से पूछो तो जब जब उसे श्रद्धा का जोर होता ना, अवेद का जोर, तो मजे में रहता है, मजे में रहता है। अभी तक तुम्हें आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा, अब दुखी होना हो तो बता दो, मेरी बोलो भाई दुखी होना है, सोने दुखी होना है, अभी मेरी बता रहे बहुत सरल है। तो हम शर्ट उतार के दर्पण में देखो, सिक्स पैक नहीं, अब एक एक आइटम को देखो, अरे यार आंखों में चश्मा लग गया यार, बड़ा कमजोर है यार, मतलब आप एक एक आइटम देखने लगो तो आप दुखी हो जाओ। लेकिन जब तुम भेद नहीं करते ना, बालों का भेद नहीं करते, आंख का भेद नहीं करते, वो सिक्स पैक का विचार नहीं करते, हेल्थ आइट का विचार नहीं करते, तो आप तब आपको कॉमन रहने का मजा आता है ना, वो आनंद विकल करने पर नहीं आता। बोले हर आदमी दुखी है, हर आदमी, जब भी लड़का इस शरीर के भेद प्रभेद करता है ना, अरे यार वैसे तो देखने में अच्छा लगता हूँ, पसली थोड़ी कमजोर है, सर्दी जरा ज्यादा हो जाती, पेट थोड़ा ज्यादा खराब रहता, वैसे वैसे तो सब ठीक है, लेकिन एक थोड़ी सी चीज जीवर बन जाती तो थोड़ी बात हो जाती, और थोड़ी सी वो कलम ठीक नहीं है, थोड़ी कलम सही होती, मुझे थोड़ी वैसी होती भव्यता। मतलब जितने लड़के हैं शरीर के बारे में जब जब सोचते हैं ना, दर्पण में जरा दांत देख लिया, अरे यार तो निशान से लग रहा, कान खाए निशान, दांत देखते से तुम आकलित हो जाओ, एक एक आइटम को देखो शरीर के तो तुम दुखी जाओ। लेकिन मजा कब करते जाओ, अभी देखते, अब तो समझ आ गया दृष्टान, अब जे तो बहुत लंबे छोड़े दृष्टान्त हो गए इतने सारे, ऐसे आत्मा में समझो, जे थोड़ा अदृश्य तत्व है ना आत्मा अमूर्ति, इसलिए इसे थोड़ी मेहनत लगेगी। बोलो भैया एक तो आत्मा का विचार ही नहीं करते, और करते भी तो विपरीत विचार करते, क्या बोला है सुनना असली प्रवचन, अब साल चालू है, एक तो वो आत्मा देखने में नहीं आता, जानने में नहीं आता, और जैसे जहां से जानने में आता वो रास्ता तुम्हारी बंद है। तो सबसे पहले तो ये तीन शब्द लिखे बहुत बढ़िया जो हमें पढ़ते हैं, वो सम्यक दर्शन तो शुद्ध स्वरूप का अवलोकन है, यह अवलोकन मैंने वो अर्थ नहीं देना, ध्यान है शुद्ध स्वरूप का अवलोकन है, क्या मतलब शुद्ध स्वरूप का देखना है, क्या देखना, आंखों से देखने की बात नहीं चल रही, क्या देखना कि भेद के बीच में भी अभेद देखना, लेकिन शुद्ध स्वरूप शब्द डाला है, शुद्ध स्वरूप शब्द क्या लिखा है, शुद्ध स्वरूप, मुझे उसके अर्थ करना था, सभी लोग ध्यान से सुनना, सम्यक दर्शन में दो चार से दृष्टांत देता हूँ सम्यक दर्शन के लिए। देखो यदि आप स्त्री पुरुष बनकर बैठे हो ना तो बहुत मुश्किल समझ में आएगी ये बात, यदि तुम लड़का मान के पहले नंबर उस आत्मा को देखो जो इस देह से भिन्न है, उस आत्मा की चर्चा चल रही है और वो अभी शुद्ध है, ऐसे शुद्ध स्वरूप का अवलोकन करने का नाम सम्यक दर्शन, फिर से बोलो जो शुद्ध स्वरूप का अवलोकन करने का नाम सम्यक दर्शन। कैसे, यदि वो शुद्ध दिख रहा होता तो शुद्ध आपको ही मान लेता, क्या बोला हमने, यदि वो शुद्ध होता, होता मैंने दिख रहा होता तो आपको ही शुद्ध मान लेता। कमाल की बात यह है जिस शुद्ध स्वरूप को अवलोकन करवा रहे हैं वो ऊपर ऊपर से अशुद्ध है, पर्याय की तरफ से अशुद्ध है, उदर स्वभाव की तरफ से शुद्ध है, जल्दी बोल गए, क्या बोल गए, पर्याय स्वभाव की ओर से अशुद्ध है, उदर स्वभाव की ओर से शुद्ध है। अब तुम्हारी टेस्ट में आ रहा है ना वो पर्याय स्वभाव आ रहा है, तुम्हारी जानकारी में आ रहा है वो कौन आ रहा है, पर्याय स्वभाव, इसलिए थोड़ी मेहनत है, और इस मेहनत को सरल करने के लिए दृष्टांत दे रहा हूं आपको, थोड़ी मेहनत लगेगी। पपीता खाया था, पपीता कैसा होता, एक आधा हमारे सामने खिलाओ पपीता, आम खाओ, आम आम खाया, एक आधा हमारे सामने खा के बताओ कैसे खा देता,
आम कैसा होता है कि मीठा। हमसे पूछो, जहां से ऊपर से दिखाई देता ना आम हरा हरा पीला जो दिखाई देता है ऊपर से, तो आप उस छिलके को चबाना शुरू करो, आम वही से स्टार्ट हुआ तो छिलका चबाओगे तो कैसा लगेगा, और पपीते का छिलका चबाओगे तो, और केले का छिलका खाओगे तो, केले का छिलका खाओगे तो, अब जितने आइटम हैं खा के देख लेना। मुझे कहने का मतलब यह है कि जितने आइटम हैं ये ऊपर ऊपर से चखने जाओ ना, चखोगे जीभ लगा के तो तुम्हें वो असली नहीं मिलेगा, असली नहीं मिलेगा जो अंदर स्वाद है। आम को ऊपर ऊपर से चाटते रहा तो आपको वो स्वाद नहीं मालूम पड़ेगा जो इसका असली स्वाद। दृष्टांत में ऊपर ऊपर से खाने पर, ऊपर ऊपर से चखने पर, ऊपर ऊपर से देखने पर उसका स्वाद पता नहीं लगता, लेकिन ये उसका असली स्वाद नहीं है। छिलके का स्वाद ये उसका असली स्वाद नहीं, ऐसी द्रव्य से जो पर्याय का स्वाद है वो असली स्वाद नहीं है। ये कह रहे तुम्हें पर्याय का स्वाद आ रहा है, मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, ये क्या का स्वाद है? पर्याय का स्वाद है, मैं ज्ञानी हूँ, छेष्टम ज्ञानी हूँ, पंडित हूँ, बहुत बड़ा पंडित हूँ, ये क्या का स्वाद है? ये पर्याय का स्वाद है, लेकिन पर्याय का स्वाद आत्मा का स्वाद नहीं है। समझ आ रही है? अभी तुम्हें क्या लग रहा है? मैं लड़का हूँ, लेकिन ये स्वाद आत्मा का नहीं है। अब बताओ जी, वह कौन माने कि जो हमें अनुभव में आ रही है हम नहीं, इसके बल पर सम्यक दर्शन नहीं होगा? मैं मूर्ख हूं, पढ़ो छह डाले पढ़ी होगी है ना, पढ़ी तन उपजन वाली लाइन है, तन उपजन उपजन और तन दशन आपको नाश मान और राग आदि प्रगटे दुख जयंते, लेकिन वही को लाइन ना मूर्ख प्रवीण, मैं सुखी दुखी मैं रंग राव मेरे रंग ग्रह गोधन प्रभाव मेरे सुतती में सवल लीन। अजी मूर्ख प्रवीण, अभी तीन जल्दी सारे चार लाइन होगी जिस सब लगा तुम्हें अनुभव में तो जी आ रहा है, मैं मूर्ख हूँ सर, हम तो मूर्ख पंडित जी आप बहुत जी आ रहा, हम तो मूर्ख हैं, आपको तो कल्याण हो जाए, हम तो नहीं हो सके। जितनी महिलाएं दिन में घर में थक गई होंगी ना, पंडित जी अब तुम सुना रहे ऐसी कठिन कठिन बात, हम बहुए हैं, हम मरे जा रहे, हम फिर रहे, हमारी सासें जितनी सास जो अभी माने बैठी होंगी उन्हें देखा जी कान का पड़ा रहे। अब कितना कठिन पाठ है इस समय कि जो तुम दिन भर के टेस्ट ले रहे हो वो टेस्ट तुम्हारा नहीं है, ये टेस्ट तो मिटाना है। तुम्हें छिलके का स्वाद आ रहा है या आम का स्वाद नहीं है? गैया में और बंदर में एक फर्क है, बंदर सम्यक दृष्टि हो और गैया सम्यक दृष्टि नहीं हो, वो वाला दृष्टांत कहने से कहा कि गैया को केला डालो तो सेम खा जाए और फिर क्या खराब है, कहती नहीं तो समझा नहीं, और बंदर छिलके खाता है, बंदर को यदि तुम्हें बादाम भी मिलती है ना बादाम फोड़ के खाएगा, दांतों से तोड़ तोड़ के खाएगा, उन्हें अक्कल है ना, सम्यक दर्शन है उसको, जानता है ऊपर का स्वाद अंदर का अलग ऊपर का अलग। और गैया इतनी बड़ी है फाइन क्वालिटी की जी तुम्हें का केला दी नहीं बादाम छोड़ देगी है बेकार ना सर ना स्वाद। अब जी नहीं मालूम वहां कितनी पौष्टिकता है, दृष्टान दिया तो अब तुम ऊपर के स्वाद को, ऊपर के स्वाद को माने मोह राग द्वेष के स्वाद को, ज्ञान के स्वाद को, अज्ञान के स्वाद को, मूर्ख और प्रवीण, मूर्ख प्रवीण माने स्वाद, ओ इस स्वाद को सबको अनुभव में आ रहा है, तो सही अनुभव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो आ रहा है, देखो अपन खुद कोई माने बैठी, यदि अभी हम बुराई करते हैं लड़का की बुराई करते हैं लड़का की, अभी लड़की बुराई करते हैं कसम खा ले, कसम कल से प्रभु से सुन नहीं आए, एक तो हम इतनी दूर से आए बड़े प्रेम से सुने बैठे और ऊपर हम बुराई कर रहे हैं, कितना मुश्किल है इस स्वाद की बुराई करना मुश्किल है, जबकि ये स्वाद मिटाना है, लगना ही मिटाना है आनंद का अनुभव, जय अभिनल का स्वाद, लड़का का स्वाद, गरीब अमीर का स्वाद, चौधरी नहीं हम ही चौधरी है, चिंता नहीं करी, लेकिन भले आदमी ये सारे स्वाद मिटाने हैं, इसलिए थोड़ा कठिन पड़ता है। लेकिन सदे में मेहनत करो तो मैं करूं मेहनत, बोलो रात का टाइम मेरा मूड तो पूरी तरह से है कि मैं मेहनत करूं, लेकिन रात का टाइम में हारे थके हो गए नहीं समझ आती, लेकिन कोशिश करो आगे मैं बहुत सारी लॉजिक दूंगा आपको, शुद्ध स्वरूप का निर्णय करो। नंबर पहला लॉजिक क्या हुआ है?
दिखता तो है नहीं, आगे परिचय में कौन सा स्वाद है तुमको, पर्याय का। और मन न है, द्रव्य का समय का कब होता है, सामान्य अवलोकन, सामान्य अवलोकन मैंने त्रिकाली ध्रुव स्वभाव नाम तो सुना, वो उत्पाद में द्रव्य एकदम सत, उत्पाद में मैंने पर्याय और द्रव्य मैंने वो ध्रुव, द्रव्य मैंने वो ध्रुव स्वभाव त्रिकाल रहने वाला, उसका विश्वास करो। तो कैसे करें, तो एक पॉइंट तो हो गया, अभी दूसरा पॉइंट सरल सरल दृष्टांत दे रहे। तो फिर पंडित जी पर्याय में विकार है, झूठी बात है, पर्याय में अशुद्धता है, मोह है, राग है, द्वेष है, झूठी बात है कि नहीं? नहीं, झूठी बात तो नहीं है, लेकिन तुम इसकी श्रद्धा करोगे ये झूठी है, क्योंकि ये तुम्हारा असली टेस्ट नहीं है। क्या बोला, ये तुम्हारा असली टेस्ट जो ये मोह राग द्वेष की पर्याय प्रत्यक्ष वर्तमान में दिखाई दे रही है, तुम्हारा टेस्ट नहीं है। सुनो, ये टेस्ट मिट सकता है, असली टेस्ट आ सकता है। दृष्टांत है ना, दृष्टांत, तुमने शक्कर को तपेली में रखा और पानी डाले बिना गैस में चढ़ा दिया, कुछ समझ में आया, कुछ प्रैक्टिकल किया हुआ था, महिलाओं ने तो सबने किया होगा, तुमने किया कभी? शक्कर डालो तपेली में और पानी डाले बिना मारा गैस में चढ़ा दे, ज्यादा नहीं, दो मिनट के लाए, पांच मिनट के लाए, इतने में वो शक्कर की सुगंध आने लगेगी, कड़वी कड़वी, जली 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 सुगंध आने लगेगी और फिर वो जल जाएगी, चखोगे तो कड़वी। तो मैं पूछ रहा हूँ, जी जो दुर्गंध आ रही जलने की, वो जो कड़वा स्वाद आ रहा है, ये शक्कर का स्वाद है? अब बोलो, बोलो, ये शक्कर का स्वाद है? फकीर साहब, मुझे जली जली वो खुद बदबू आ रही है जी, काय का स्वाद है जी? अब जी सोचो कि नहीं, नहीं रुको रुको रुको, ये स्वाद मिटाया जा सकता है, ये तुम्हारी तरीका ठीक नहीं, शक्कर का स्वाद लेने का, इसमें गलत पर्याय आ रही है। समय पर्याय कैसे आएगी बोलो, कि देखो हम बता रहे हैं, आप पानी गैस में तपेली लगी, शक्कर पानी डालो और शक्कर डाली और चलाई, अब वो आदमी गैस ही चलाते रहो, आपको पता है एक बार जलना शुरू हो जाए ना, फिर और तुम चलाते हो तो वो जलती चली जाएगी, बिल्कुल काली कट हो जाएगी आखिरी में डंबर जैसी, और जी 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 भी चला था, दोनों सांस सांस चलते थे। बोलो भाई, असली पर्याय कहां से आ रही है शक्कर की, कि एक बार होता भैया, जब शक्कर में से तो मीठी पर्याय आ रही और सुगंध आ रही और इसमें से जलने की बदबू भी आ रही और कड़वास भी आ रही, जी क्यों होगा? कि सुनो, ये असली पर्याय नहीं है, ऐसे तुम्हारी वर्तमान में जो मोह राग द्वेष की पर्याय है, अज्ञान की पर्याय है, ये तुम्हारी असली पहचान नहीं है, इसकी श्रद्धा मत करो, ये मिट जाएगी, इसकी श्रद्धा, श्रद्धा समझ के विश्वास मत करो। इसके लिए दृष्टांत दूंगा आपको, बहुत सारे दृष्टांत दूंगा, बच्चे को देखा, बच्चे को जितने बच्चे होते सब खराब होते हैं पता है, लेकिन अम्मा सम्यक दृष्टि होती है, अम्मा सम्यक दृष्टि कैसे होती है, कि जैसे इतना तो सा बच्चा हो छोटा सा, तो समझदार हो कि बेवकूफ बोलो, जोर से बोला, इतना सा बच्चा बेवकूफ हो कि समझदार हो, न लैट्रिन में लैट्रिन जा, न बाथरूम में बाथरूम जा, न रोवे को समय को वहां को ठिकाना, न सोवे को ठिकाना, न जगवे को ठिकाना, जब मम्मी पापा को सोवे को टाइम हो तो वो भाई साहब 12 बजे रात को जगन लगा, किलकारी मारेंगे, खेलेंगे, और कच मच्छर काट जाए तो रोन लगेंगे जोर जोर से, और नरेंद्र मोदी की गोद में भी जाए तो वो सूसू कर दे, मैंने कुछ होश ही नहीं बेचारे को पता, तो ऐसा बच्चा रखने लाएगा रात में फेंक देने लाएगा, क्यों? इतना खराब है, अक्कल ही नहीं, दो कौड़ी की नहीं, चाहे जब लेटरिन कर ले, चाहे बाथरूम कर ले, जब भी नहीं सोच रहे चौका है, चौका में तो मत करो, उसे कोई मतलब नहीं, बस इतना नालायक बच्चा। बोलो, दादा की गोद में गए, दादा की मूछ खींच डाली, दादी की गोद में गए, सब की चश्मा पकड़ फेंक दो, बोलो ऐसे बच्चा को रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? अब जिसके बल पे तुम इस बच्चे को रखे, उसके नाम समझ गए, ऐसी वर्तमान में अशुद्ध पर्याय है, मोहराग देश है, नादानी है, पहला गुणस्थान है, मिथ्या दृष्टि है, बहुत ऐब है ना, बहुत ऐब, जिसका नाम है अनंत दोष, अनंत आनंदी के अनंत दोष है, ऐसा होने पर भी ये बच्चे की असली पर्याय नहीं है। यही बच्चा समझदार हो जाएगा, यही बच्चा बहुत बड़ा हीरो बन जाएगा, ताकतवर बन जाएगा, फिर नहीं करेगा ये गलतियां,
ऐसे ये जो आत्मा मोह जागृत करता है ना, ये इसकी असली पर्याय नहीं है। जब ये बड़ा होगा अर्थात स्वरूप में मग्न होगा, स्वरूप को जानेगा, सम्यक दृष्टि होएगा, तब जो निर्मल पर्याय प्रकट होगी तब इसकी असली पर्याय प्रकट होगी। बोलो काय का भरोसा करें, नकली पर्याय वाले को आत्मा माने कि असली पर्याय वाले को आत्मा माने? बोला। अब बच्चे दिखने में तो खराब है वर्तमान है, लेकिन माँ को खराब नहीं दिख रहा हो, जी कहना है खराब देखने पर भी खराब नहीं दिख रहा, वो तो गले से लगाए बैठी। ऐसे ही जिनवाणी माता क्या कह रही है, तुम सब भगवान आत्मा, भगवान नहीं कह रही, क्या बोल रही, भगवान आत्मा, तुम्ही तो ज्ञाय हो, तुम्ही तो पूर्ण हो, तुम्ही तो शुद्ध हो, तुम्ही तो परिपूर्ण हो, तुमसे कह रही तो झूठ बोल रही सही बोल रही? बता बता, अम्मा को फेंक देना बच्चा को, फेंके नहीं फेंके, बोला फेंक दे दी तो उनमें से एक भी ना बैठते थे, हम ही नहीं मिलते तुम्हें कोई नहीं मिलता यदि अम्मा फेंकने लगती सभी का। ऐसी सारी सारी जो अशुद्ध आत्मा है उन्हीं में से शुद्ध होकर मोक्ष जा रही। तुम अशुद्धता को मत देखो, उसको देखो जिसके बल पर अशुद्धता चली जाती है। किसका श्रद्धान करना है बोलो? इसका नाम है शुद्ध स्वभाव का अवलोकन। दिख तो रहा है मोहराग देश और अवलोकन करना कला है, सम्यक ज्ञान कला, कला समझ गए? आर्ट अस्तित्व पर्याय में सुप्ता का अवलोकन कर लेना सम्यक दर्शन है। दृष्टांत दे, आम के झाड़ पे जाओ, इतने इतने से आम लगे, इतने इतने से, बोलो असलियत है कि नकलियत है? जे आम होते हैं ऐसे ही होते हैं, ऐसे खा लिया, इतने खराब होते हैं आम जिनमें रस तक नहीं एक बूंद, बट्ठा क्या कहला रहे हो बिल्कुल ऐठाए नहीं, खा के देखो जरा इतना सा आम खा लिया ना, के न खट्टा से न ढंकी न स्वाद न न रस न कुछ, बोलो बोलो क्या कहना है, बोलो आग लगा दी इस पेड़ में तो लगा दे फिर, और आम कहां से लाओगे? ये है सम्यक दर्शन। ये जो इतना सा कच्चा आम दिख रहा है ये ही अपने आप बड़ा होगा, ये आम एक दिन हरे से पीला होगा, एक दिन खट्टे से मीठा होगा, होगा कि नहीं होगा? ये सम्यक दर्शन। तुम वर्तमान पर्याय मत देखो, इसमें इतनी सी पर्याय वर्तमान पर्याय देखोगे तो तुम समझ नहीं पाओगे। ऐसी वर्तमान मोह राग की पर्याय देखोगे नहीं समझ आएगी। मोह राग से सरासर देख रहा, रोटी खा रहा है, कपड़ा पहन रहे, वैसे भगवान लगे, भगवान भगवान, हम क्या से भगवान, हम क्या से आत्मा, हम तो बोलो भाई समझ में आई बात? अब ये कठिन पार्ट है थोड़ा सा, क्योंकि मोह राग देश हो जिस पर्याय का अनुभव अनुभव तो सरल है, हो ही जाए ना अधिकांश से, और ची पर्याय सच्ची नहीं है, ये मिटेगी, खट्टी पर्याय जाएगी और मीठी पर्याय आ जाएगी, जो कच्चा अभी रस नहीं है ना इसमें कड़क है बिल्कुल पका ऐसा मधुर रस भर जाएगा सामने, ये भरोसा करो। वर्तमान वर्तमान अशुभता में सुप्ता का भरोसा करो। केरी अधिष्ठान समझ में आए, इसे अपने में समझ आ जाए, इसका नाम है अवलोकन। अवलोकन कला है, कला समझ गए? कला का दृष्टांत देते, कला का दृष्टांत, कला का दृष्टांत ऐसा है, दर्जी होता है, दर्जी वो कलाकार होता है, दर्जी को कलाकार कहते हैं, मूर्ति बनाने वाले को कलाकार कहते हैं, दो एग्जाम्पल हो गए। कलाकार कैसा होता है? पत्थर, सारी दुनिया जो पत्थर दिख रहा है वो कह रहा है 10 फुट की महावीर है, 10 फुट की, अपन पहले भी गए थे मांगी दूंगी, आप भी गए थे मांगी दूंगी, पहले भी गए थे अपन लोग, अभी भी गए होंगे। देखो जिस पहाड़ी को अपन पहाड़ी देखकर भी चले आते, ज्ञानमती माता जी वहां 108 फुट की आदि ना दिख रहे थे जब भी वो यहां से जाती थी और टकटक लगाने से खड़ी जाती थी, 108 फुट के आदि कहा थे यहां? अब बोलो सारी दुनिया को तो कुछ नहीं दिख रहा था, सबको तो पत्थर ही पत्थर दिख रहे थे, झाड़ फानूस दिख रहे थे, क्या झाड़ फूस फानूस सकार दिखे, वो झाड़ फूस दिख रहे थे, ओ दिख रहा था, और पीछे पड़ गई, कितने बड़ा काम है, कठिन काम खेला, लेकिन नहीं ये वो खत्म, हमारा स्वप्न दिख रहा छोटी, अपन गिले आज की तारीख अपन पहाड़ी दिख रहा, वहां बोल तुम्हें भगवान दिख रहा है क्या? कहा से तुम्हें अपने शरीर में सिद्ध दिख रहा है? अब जैसे वो अवलोकन कला है, अवलोकन
अवलोकन कला है, पाषाण में जिसने भगवान देख लिया, ऐसे इस देह के अंदर भगवान देख लो, ये सम्यक दर्शन है। मोह राग द्वेष के कारण में मोह राग द्वेष तो हर कोई देख लेगा, तुम लड़का बैठे जी तो हर कोई देख लेगा, क्यों तुम लड़का बैठे बच्चे बताने के लिए जिनवाणी पढ़नी जरूर पड़ेगी। ये तो एक काम करो, गदा से गदा मोड़ा के बुला ला, अज्ञानी से अज्ञानी को बुला ला, मुसलमान को, हिंदू को, सिख को, ईसाई को, जर्मनी को, जापानी को, फ्रेंची को, कोई कोई को बुला लो, उससे पूछा जी कौन है, क्योंकि भाषा बोलने की अलग अलग होगी, लेकिन लड़का है जी तो हर कोई कह देगा, भाषा ही तो अलग होगी, कोई बॉय कह देगा, कोई लड़का कह देगा, कोई मोड़ा कह देगा, कोई छोकरा कह देगा, कोई छोरा कह देगा, गुजरात वाले दीकरा कह देंगे, क्यों नहीं क्या बोलते थे गुजराती, क्यों हाँ दीकरा दीकरा कह देंगे, मतलब दुनिया के नाम कुछ भी होंगे लेकिन लड़का तो हमें पहचान लेगा। धन्य महावीर भगवान का सा, आप समझो प्रकाश पूरे विश्व के दर्शनों से अलग हो रहे हैं, सारे धर्म वाले तुम्हें लड़का मानते हैं और यहां से धर्म स्टार्ट होता है उनका, नहीं करवा चौथ करे जा पहले शरीर की स्थापना कर ली, इसलिए उनका धर्म सरल पड़ता है, जट समझ में जाता है। हमारा प्रभु जी समय शाम के टाइम और वो भी आत्मा की बात चल रही, बड़ा कठिन पड़ता है, क्यों आदमी मान के धर्म स्टार्ट करना सरल है, और हम ये कह रहे तुम आदमी हो ही नहीं, तुम भगवान, इसलिए थोड़ी मेहनत तो लगती है। ये हम लोगों की कला है, इस देह के अंदर भगवान देखो, जैसे मैं केरी में पका हुआ आम दिख रहा है तो केरी है भी, अरे केरी तो छोड़ो, इसे करी तो फूल लगाओ, फूल क्या कहते बोर, क्या बोलते बोर, झाड़ पे बोर आ गए, बोर आ गए, मोर, कोई मोर कहता है बोर, मोर आ जाता है, मोर तो उसी को देखो, इस बार आम बहुत पकने लग गया, इस बार तो 1 करोड़ रुपए भी टंगी क्या निगरान से नोट टंगे सारी क्या पंडित जी, ये काम 100-100 रुपए का नोट, एक नोट धीरे उसको, अच्छा देवी एक आप लोगों ने कला है, ऐसे ही वर्तमान मोह राग द्वेष के काल में भी जिसे अपना शुद्धात्मा दिखाई दे गया और सभी जीवों में शुद्धात्मा दिखाई दे गया, जी आप लोगों की कला हो गई, बराबर है। आई व्यक्त अशुद्ध परिवार में भी शुद्धता देख लेना, ये सम्यक दर्शन हो गया, फिर उस शुद्ध स्वरूप को जानना ये सम्यक ज्ञान हो गया, और फिर शुद्ध स्वरूप में स्थिरता होना, स्थिरता, अब ये स्थिरता में मेहनत है, स्थिरता में भी मेहनत है, स्थिरता में उस विश्वास की निरंतरता, दो बार समझ रही, स्थिरता में उपयोग टिके, उपयोग कब टिकेगा आपको, दृष्टांत देना, इसका भी दृष्टांत देना पड़ेगा, एक शब्द का दृष्टांत देना पड़ेगा, देखो वो श्रद्धा की स्थिरता नहीं हो तो चारित नहीं हो सकता, क्या बोला हमने, श्रद्धा की स्थिरता नहीं हो तो चारित नहीं हो सकता। पहले जमाने में तलाक नहीं होते थे, आजकल तलाक जल्दी हो गया, कि जरा पति ने डांट फटकारा उसकी फौरन श्रद्धा खंडित हो गई, इनके संग हम नहीं रह सकते, मर जाए इनके संग, जिन्हें बहुत ही मुश्किल है, यहां से रोज रोज डांटेंगे तो कहा हो गया, पहले दिन के डांट गए रोज डांटेंगे तो कहा हो गया, और श्रद्धा खत्म हो गई देखा, तो अब इसी घर में खा रही है बैठ रही है, लेकिन एक सेकंड कोई आनंद नहीं आ रहा उसे, उसे तो जेल अभी नहीं मिल गया, हमें तो ऐसा आदमी चाहिए जो कहूं डांटे नहीं, अब तो ऐसा कोई मिलेगा दुनिया, क्यों भाई ऐसा कोई मिल सकता है जहां डांटना पड़े, गलतियों पर टोकना ना मिले, ऐसा मिलेगा कोई, क्या तुम्हारे पापा तो नहीं डांट गए, तो फिर तुम भी यही सोचने लगो कैसे पापा हैं, ऐसे पापा तो देखे नहीं लेकिन भाई साहब वो श्रद्धा है ना जिसके बल पर टिका हुआ है, हम इसको थोड़ा खराब सा दृष्टान बना के देता हूं, पति पत्नी झगड़ा होना आम बात है, होना भी चाहिए लेकिन टिकना नहीं चाहिए, इतनी सी बात है, होना होता तो है, क्यों क्यों होता है, कारण है, करना नहीं हो सकता, तुम नहीं भी चाहो ना तो भी झगड़ा होता है, पत्नी नहीं चाहे खूब लाख मैंने तो बल्कि इतनी अच्छी मैंने महिलाओं को देखा है पूरे हिंदुस्तान में कि वे इतनी हितेशी होती पूरे घर की परिवार की सबका ध्यान रखने वाली होती बहुत ध्यान रखती सबका लेकिन इसके बावजूद भी कर्म का उदय अधिक कर्म का उदय होता है एक होता है अब वो बुरा काम करें तब तक डांट पड़ने की एक्सपेक्टेशन होती और डांट पड़ती तो बुरा भी नहीं लगता क्यों क्यों नहीं पड़ता ये
क्योंकि हमें पता ही है आदमी गलती करी है, नुकसान किया है, लेकिन जिस दिन अच्छा काम करते हैं प्रास उस दिन कैसा लगता है बोलो? तब ऐसा लगता है सब लोग आज हमारी तारीफ करें। अब महिलाओं की सोचो, ये रोज तुम आप काम कर रही, संभाल रही, रख रही, बना रही, खिला रही, पिला रही, सब काम अच्छे कर रही हो, और तुम कितनी बार जाकर तारीफ करे, वाह मम्मी आई बोले कितनी बार बोलती हूँ है? अब माई चलो कोई चीज दाल में नमक मांग जाए, हम नहीं खा रहे, एकदम क्या सब घास फूस या सब रोटी खाओ, हमारी बस की नहीं भैया, एक चीज बिगड़ गई बाद में तो तुमने कह दीजिए खराब, और जब बाद में पकौड़ा अच्छी बने थी बाप का क्या, और रसगुल्ला अच्छी बने थी उस दिन क्या हुआ उसका, हम तो क्या हो गई तुम्हारा काम है, अच्छा अच्छा रसोई बनाना उनका काम, और बुरा रसोई बन गई फेंकना तुम्हारा काम है, ये दृष्टि हम दे रहे। यहां से जिस दिन अपन अच्छा काम करते हैं एक्सपेक्टेशन होती है कोई सब उसकी तारीफ करे। अब कर्म के उदय इतने विचित्र होते हैं, कर्म का उदय इतना विचित्र होता है, हमने तो अपने घर में देखा, उन्हें भी देखा होगा अपने घर में, हमने देखा, हमारी मम्मी बहुत स्वादिष्ट रसोई बनाती थी, ठीक है ना, भूतकाल की बात सुना रहे, अब एक नहीं सुना भूतकाल की, तो हमारी दादी और मम्मी की सोन सी गुआई, उन्होंने बड़ी फ्रेंडशिप थी, तो हमें बड़ा गहरा नाता था माँ बेटी जैसा, हमारी दादी इशारा करती थी आज बादल हुए उलीटा बना ली, अम्मा ने झट बोल लगी सब, अब बड़ी खुशी खुशी सब ने खाए, टेस्टी थी सुगंधित, खूब सुगंध फैल रही थी पूरे घर में, खूब सब खाए, अब पिताजी आए सो अब खुशबू आई, उन्हें गुस्सा आ गई, खुशबू से गुस्सा आ गई, बेटा डालो खा खा के खत्म कर डालो, हम कैसे कमा कमा के मरे जा रहे, तो ये खाओ तो बैठो तो, अब खाए तो ये तो टेस्टी थी खा भी ली, लेकिन गुस्सा महंगी वही नाराज महंगी वही, बता सकते जब टेस्टी आइटम है बढ़िया चीज बनी है तब तो खुश होना चाहिए दुखी होना चाहिए बोला, लेकिन तो अभी गुस्सा हो रहा क्यों जी, कर्म का उदय है, उन्हें वो चीज उस एंगल से नहीं दिख रही कि तुम बहुत टेस्टी बना लेते, तुम्हें टेस्टी बनाने की कला से हम खुश नहीं इस समय, इससे हमें जो दिख रहा है हमारे बटुआ में से 500 रुपये खर्च हो गए, कितो घी खत्म भाव, कितो तेल खत्म भाव, कितने मसाले खत्म भाई, अब हमें बजट दिख रहा है एक महीना हम इतना पैसा कमा पा रहे हैं, इतनी दुकान चल रही है, इतने खर्चे लगे, शादी ब्याह में जाने हैं, उसे चीकट ले जाने, उसे बच्चा के जूता फट गए जूता दिलवाने, उनकी मोजे दिलवाने, उनकी फीस देने, अब उनको बजट कहां चल रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर जैसा तुम्हारा भी दिमाग ऐसे लगे ना उसे भोजन में स्वाद नहीं आएगा। अब अभी कर्म को दें भी इधर से सोच रहे हैं तुम इधर से सोच रहे हैं, अब मम्मी जी सोच रही हमारी गलती का, इतने टेस्टी बबरा बनाए, इतने टेस्टी लग रहे, इतनी खुशबू आ रही है, सब खा पी के मजा कर रहे, उन्हें जी लगती थी हमारी मम्मी को, खावे के नाम पे सब हो जाए पर डांट खावे लाए हम, जब देखो जब डांट हमें खानी पड़ती, हम लोग तो मजे करते थे आड़ में, हमें कोई तकलीफ नहीं अपने मजे से खा पी हो जरा, लेकिन मम्मी की तकलीफ सुनानी पड़ती थी, हमें से डांट पड़ती, हमारा ऐसे कहने मतलब है कि जी जब तक कला नहीं आई ना, इसी के बीच में इतने झगड़े के बीच में, पति पत्नी के झगड़े के बीच में भी हमारी मम्मी ने कभी तलाक लेने की नहीं सोची, क्यों क्यों क्यों, उनका विश्वास खंडित नहीं हुआ, गलतियां तो बहुत दिखाई दी, लड़ाई झगड़े बहुत दिखाई दिए, लेकिन पति हमारे यही है, शरण यही है, प्रतिष्ठा यही है हमारी, हमें कहीं नहीं जाना है, इनके ही साथ रहना है हमें, इसके बल पर वो आनंद में रहती, थोड़ी डांट पड़ती थी, थोड़े बुरा लगता था, फिर हंसने लगती थी, चलो कच्ची नहीं किया था, सही कह रहे सो सही कह रहे, बात तो सही है, खर्चा तो बहुत, अब लेकिन मोड़ा मोड़ी है, घर में नहीं खाएंगे तो चाट पकौड़ी चौरा कर खाएंगे, तो मम्मी का भी लॉजिक होता है, घर में नहीं बनाएंगे अपन तो मंगोड़ा वहां खाएंगे बाजार में, अब हम प्याज डली रही भला हुई है, आलू की टिकिया खाएंगे मंगोड़ी बिगड़ जाएंगे, तो इसलिए पिताजी से सुन भी लेते थे और श्रद्धा झांकता रहती थी, इसलिए आनंद झांकता बरकरार रहता था, बस ये मैंने इतना लंबा दृष्टांत दे दिया पति पत्नी का, अब तुम आत्मा में बैठा, ऐसे मोहराग देश भी उत्पन्न होगा, और एक तरफ से हमें ये मालूम है कि निचली भूमिका में मोहराग देश होता है, लेकिन आत्मा तो त्रिकाल शुद्ध ही है, उसी की श्रद्धांत के बल पर आनंद बना रहता है, आज समय और दृष्टांत दे बोलो भैया तुम्हारे इलाज में 5 लाख लगेंगे करवाने इलाज बोलो, तो अभी तो तुम्हें कोई बीमारी का पता ही नहीं है, 5 लाख का फोकट के हम तो नहीं कराएंगे,
अभी तुम पता नहीं बीमारी है तुम्हें, और जैसे ही तुम्हें कंफर्म हो जाएगी बीमारी है, बोलो 5 लाख का ऑपरेशन कराओगे नहीं कराओ, बोलो कराओगे? और सबसे पहले 5 लाख का ऑपरेशन नहीं, 5 लाख तो पैसा है, इतने से इतना कटे हो, एक नस निकाली जाएगी फिर जुड़ी जाएगी, और 6 महीने तो हमें बेड रेस्ट करना पड़ेगा, और 5 बोतल खून चढ़ेगा, और सुनो फिर जिंदगी नमक नहीं खाओगे, शक्कर नहीं खाओगे, जो उसकी प्रिकॉशन चीजें नहीं खाओगे, बोलो ऑपरेशन कराने की नहीं कराने, बोलो बोलो। अच्छा अब हम पूछ रहे जब वो ऑपरेशन करेगा तो दर्द होगा कि नहीं होगा, अब दर्द होगा कि आनंद होगा, जी पूछ रहे, थोड़ा दृष्टांत समझ में आया, तो जब 10 लाख रुपए ये चुकाएंगे तो आनंद आएगा कि दुख होगा? 10 लाख का दुख भी लग रहा है और आनंद भी आ रहा है, भैया सक्सेसफुल हो गया जे है श्रद्धा और चाय, इसका क्या सा कमाल, जिस समय कसाय का दुख है उसी समय श्रद्धा का आनंद है। फिर से बोल रहे, जिस समय ऑपरेशन हो रहा है ना, और जब जब डॉक्टर ने कहा ना तुम खाओगे नहीं, ऐसे नहीं करोगे, नमक शक्कर हलवा नहीं खाओगे, सही बता कैसी बीत रही होगी आदमी पर, अब आइसक्रीम नहीं खा पाएंगे तो दुखी होता है कि आनंद होता है? आइसक्रीम नहीं खाने पर क्या कह रहे हैं हम, आइसक्रीम नहीं खाने पर दुखी होता है कि प्रसन्न होता है? बोलो बोलो भाई मुकेश, खुश होता है कि दुखी होता है? अब ये कैसे आपसे दुख भी है, देखो सब आइसक्रीम खा रहे, देखो सब हलवा खा रहे, हम कचरी नहीं खा पा रहे, एक तरह से दुख भी है और एक तरफ से आनंद भी है। अरे भैया जय कहो, मालूम नहीं पड़ती, हम खा जाती तो 2 दिन आम मजा, हमारी तो जहर है जहर, मालूम पड़ोगी बढ़िया, नहीं मालूम पड़ती तो क्यों, तुम कैसे आ रहे हो, नहीं मालूम पड़ती 2 दिन और ऐसा कर लेती, 2 दिन और आइसक्रीम खा लेती, 2 दिन और हलवा खा लेती, बोलो क्या चाहिए, बोलो अरे अच्छी मालूम पड़ गई, खुश हो रहा है, अच्छी मालूम पड़ गई, देख क्या कमाल है, पैसा देने पर दुख भी हो रहा है लेकिन मजा आ रहा है, उसे श्रद्धा का आनंद आ रहा है, खून चढ़ने पर भी आनंद आ रहा है, ऑपरेशन की कटाई पिटाई हो रही है, उसकी दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, जिन्होंने आंखों का ऑपरेशन कराया उनसे पूछो, इधर कभी कोई टांके लगी था, टांगे वांगे लगी तो उस समय तो थोड़े कुछ लगा रही क्लोरोफॉर्म का इंजेक्शन, और जब इंजेक्शन का असर जाता है और फिर वो जो लौकत है वो क्योंकि टांके मान दी ना, टांके खींच जाते हैं, तब मालूम पड़ती है उसकी अगली असली पीड़ा, यहां से भाई साहब ऑपरेशन के बाद आंखों के में भी ऐसी भयंकर पीड़ा होती है, मतलब गोली देते रहते हैं उसकी कान की दर्द निवारक, नहीं देवे तो आंख फोड़ ले, वो उनके दोनों आंखों के ऑपरेशन हुए, फूलचंद जी थे, फूलचंद जी सिद्धांत शास जी, फूलचंद जी उनकी पत्नी की दोनों आंखों का ऑपरेशन हुए इलाहाबाद में, बनारस या इलाहाबाद में, सो अब डॉक्टर ने जी कहा था क्या कैसे हो जाए तुम, 3 दिन तक इनमें हाथ ना लगाई, अब वो उस जमाने की दवाई वैसी होती थी तो दर्द हो दर्द अंदर सिर्फ बार बार ऐसे आंसू आ जाए, ऐसे मिटक जाए, ऐसे मिटक जाए, और डॉक्टर ने कहा हाथ मत लगाई, आखिरकार 3 दिन का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाई, और 3 दिन कई बार ऐसे मिटक गई उनकी दोनों आगे चली, और फिर जिंदगी भर के लिए अंधी हो गई, दर्द तो सहना ही पड़ा, अब अंधेरा और हो गया, दर्द मिट नहीं गया वो आंख मिटने से, अब पता चलिए आंख मिटने के बीच में दर्द हो रहा है, आंख मिटना नहीं है, मिटना नहीं है, ये श्रद्धा करो, अटक रहा बिल्कुल, कि चाहे जितना दर्द हो जाए 3 दिन तुम ये समझो बढ़िया है, जो दर्द आराम 3 दिन बाद आराम मिलेगा, ये श्रद्धा का आनंद। कुछ समझ में आया, व्यक्त में कसाय है, राग है, आकुलता है, संसार का द्वंद है, और उसी समय श्रद्धा के बल पर आनंद है। सरल दृष्टान और सरल दृष्टान दे, दिगंबर मीरा जो थे, दिगंबर मीरा 4 तरफ से मच्छर झूम रही और उन्हें आनंद चल रहा है, कौन समझ में आ रही बात, बोलो 4 तरफ से मच्छर झूम रही, 24 घंटे में एक आहार अंतराय, 5-5 दिन तक आहार नहीं मिला, गर्मी दिनों पानी की बूंद नहीं मिली, और आनंद हो रहा होगा, कोई तो लग रहा है सामने आ रहा है कोई, बहुत आनंद में होंगे मीरा, अब काय के बल पर आनंद होंगे, जिस शरीर में नहीं हो ये श्रद्धा, जो कुछ भोजन मिलता भी था तो शरीर को मिलता था, नहीं मिल रहा है तो अभी शरीर को नहीं मिल रहा है, मैं तो क्यों, तुमने रोटी खाई कब, खाई तुमने, अरे बोलो
बोलो भाई रोटी खाई कोई नहीं, कहो भाई रोटी नहीं खाते राजू। अब जिस चर्चा हुआ है कि देह भेदने और आत्मा भेदने, देह का परिणाम हुआ तो हुआ, रोटी मिलती है नहीं मिलती है, लेकिन हम तो आत्मा, सुनना ध्यान से, आत्मा शुद्ध ज्ञानानंद का आहार करता है, शुद्ध चेतन का आहार कहां करता है, जिसके लिए आचार्य ने लिखा है अमृत भोजी। कैसा लिखा है? नित्य अमृत भोजी, नित्य। पंडित साहब इतनी प्रसन्नता सुनाइएगा, जय कुमार जी रात को खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए, पीने चाहिए कि नहीं पीने चाहिए? लेकिन दिगंबर मुझे आते 24 घंटा खाया और 24 घंटा पिया। बोलो रात को पीने पर भी दोष नहीं लगता, क्या कह रहे हैं पंडित साहब? रात को छक्के पिया, कहा पिया बताओ, निजानंद रस पान करेंगे, क्या गजब होगा, क्या कमाल होगा उसका। अब जी जब तक समझ में नहीं आई ना, तब तक क्यों पंडित रोटी तो चाहिए, अब मच्छर झूमी हम कैसे मुनि बने, अब तो मैं लग रहा है अपनी हमें तो शरीर ही शरीर, जिन्हें शरीर दिख रहा है उन्हें कुछ नहीं समझा। बहुत सारे दृष्टांत दिए, अभी ऑपरेशन कर दिया था, प्रत्यक्ष में पीड़ा भाषित हो रही है, आंख का दृष्टांत दिया, प्रत्यक्ष आंख में पीड़ा भाषित हो रही है, सही ऑपरेशन होने पर, पीड़ा होने पर भी, पैसा चुकाने पर भी वो प्रसन्न होता है, सही ऑपरेशन हो गया, सही समय का ऑपरेशन हो गया, डॉक्टर ने कहा बहुत बढ़िया ऑपरेशन हो गया, आनंद आगे चल रहा है उसका, पीड़ा प्रत्यक्ष है और आनंद आगे चल रहा है वो संसार। सुनो ऐसे अवसर होने पर भी दिगंबर मुनिराज केवल ज्ञान कैसे ले लेते हैं, वो श्रद्धा का जीवन, श्रद्धा नहीं टूटती, थोड़ी देर पहले कह दिया पति पत्नी में झगड़ा होने पर भी श्रद्धा नहीं टूटती, कभी कभी दुनिया में बहुत बोल चाल हो जाती है तो तुम चले जाओ अपने घर, हम चले आएंगे अपने पीआर, कहो नहीं आएंगे, रोगे बैठ के हम रो लेंगे, तुम जाओ कार को जाए जो ही हमारे घर है। कई बार पति दे तो बड़ी परेशान हो, ये तो जात भी नहीं है और धमकी दे दी, लेकिन पति नहीं जानता है, पत्नी आपने देखा हो जितने घरों में पति पत्नी बोलचाल हो जाती है, आखिरकार दो ही नादानी छोड़ देते हैं, बातचीत भूल जाए और फिर प्रसन्न नहीं लगते आराम से, क्यों कार की जरूरत है? मैं तो बहुत दृष्टांत देता हूँ इसके लिए, लड़ाई हुई पति पत्नी में, पति देवता ने कही कसम है जो आज के बाद जब घर में पैर रखू ऐसे गुस्सा में बोलते थे नहीं बोलते थे, कसम है जो घर में पैर रखे आज के बाद हम आएंगे नहीं, तुम्हें लोग रह जा घर में खाओ लियो हम चले, तो चले गए और बेटा घबरा गया बेचारा कि मम्मी पापा चले गए वो कसम खा के गए, चुप रहे मम्मी पोलाइट होके रोक लो, थोड़ा प्यार से रोक लो, पापा चले गए कसम खा के, तुमने सुनी नहीं? अरे मैं सब सुनी, तू चुप रहे जी, हम मम्मी को समय कसम दे रहा, चिल्ला चोट करके गए कसम खा के गए तो भी मम्मी को सम्यक दृष्टि है, बेटा चुप रहे चुप रहे, तू मम्मी भी नहीं आए तो का हुई हमारी फीस को हमारी दुकान का हमारे फला का सबका क्या होगा, अच्छा चुप कर जा खेल पढ़ाई कर जा, तू टेंशन मत लिया कर हम दोनों की, तू बीच में एम्पायर मत बन, तू अपनी अपनी निपट हम निपट लेंगे। अब बच्चों से अगर पापा सही में नहीं आए तो क्या होगा, लेकिन आखिरकार मम्मी का श्रद्धा नहीं सच्चा निकला, जब 11-12 बजी तो पापा अपने आप घर आए, थोड़े चुप चुप रहे बोले नहीं, ऐसे ऐसे उदास उदास रहे, और फिर उन्होंने कही अब रोटी चाहिए ली, रोटी खा के फिर पप्पू की भाई तुम बहुत उदम मचा, अच्छा अब तुम कम मचा दो, आखिरकार दो जने गोद में ले गए। अब बताओ ये क्या हुआ, कौन का समय कैसा सच्चा निकला, बच्चे का कि मम्मी का? बेटा तुम नहीं समझते, ऊपर से कसाओ का तूफान है, अंदर अंदर श्रद्धा में एकता है, वो राग है ना राग, बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकती, बच्चा तो अब नहीं है, घर तो अब नहीं है, फला तो अब नहीं है। हमारे पिताजी गुस्सा बहुत आती थी, पिताजी गुस्सा आई मन एक ही बात है रोटी नहीं खाई, एक ही थी, एक मन एक ही फार्मूला था, पूरी जिंदगी एक ही फार्मूले चले, जब गुस्सा आया तो हम रोटी नहीं खाई, और जब ज्यादा गुस्सा आती तो आज चूल्हा नहीं जले, वो कसम हमारी, तो अब कसम तो उतारना पड़ती है, उसका तो कोई रास्ता नहीं, क्यों घर में छोटे बच्चे भी हैं बहुए हैं सब है, वो तो उतारनी पड़ती, तब गुस्सा जब क्रश ले से मिल ले से होती ना
तो उतार दी थी, खाओ ये तुम आओ राज खाओ, हम तो जा रहे हम नहीं खाएंगे। सब मम्मी भी कहती चले जा, रोटी बनाती सब खा पी लेते, सब मालूम उन्हें आना ही पड़ेगा कहाँ जाएंगे। फिर वे आ गए, रोटी खाई, फिर हंसी मजाक चालू हुई, फिर उन्होंने कहे तुम तो कह गए तुम नहीं आएंगे रोटी खा, पर कहा आए ऐसे हंसी मजाक चलती थी, तो कहा जी कहते हम तो जैसे सोच रहे थे दुकान पर जी लोग तो मजा कर ही रहे, अपन कहा भूखे मारो जी लोग तो खाई पी रहे, इन्हें कहा फर्क पड़ा, अपन खाओ चाहे मत खाओ रोटी तो बनेगी, क्योंकि बच्चे हैं पांच पांच घर में, रिश्तेदार हैं वे आते हैं, क्या नाम है रिश्तेदार भी आते हैं घर में, बहुए भी हैं, रोटी तो बनेगी, नहीं बनेगी ऐसा तो खाएंगे तो सब, अपन कहा भी चलो अपन भी खाओ। मैंने खुद मिला करके लौट फेर के गाड़ी बनी आएगी, अब तो समय समझ में आएगी नहीं आया, ऐसी चार जितना क्रोध मान माए लोग हो जाए वे ही मिटेंगे, कसाई को ही झुकना पड़ेगा, क्यों इसे पापा झुके नहीं कसाई झुकी थी, कसाई झुकी थी पापा नहीं झुके, हाँ हाँ ऐसे अज्ञान ही मिटेगा, एक दिन केवल ज्ञान आएगा, जी जो दिख रहा है ना वर्तमान का अज्ञान मोह रख दिया जे ही मिटेगा, जीत तो हमारी होगी। समझ में आई, समय व्यसन ज्ञान उच्चार जय श्रद्धा का आनंद, केवल ज्ञान तो हमें होगा जी आनंद है। दृष्टांत देखे छुट्टी कैसे जी, दृष्टांत एक ही देश लेना फिलहाल तो वैसे पूरे ही ले लो हमें क्या दिक्कत जी, भारत पराधीन था, भारत पराधीन था ना, तो जब भारत पराधीन था तो कई बार हारे भी, कई लोग हारे हारे मतलब बीच बीच बहुत लड़ाई हुई, झांसी की रानी हार गई, फिर फला हार गए, फिर महाराणा प्रताप हार गए, लेकिन सबके दिल में एक ही जोश था इस पिक्चर का एंड क्या होगा, बोलो यदि एक पिक्चर बनाई जाए स्वतंत्रता संग्राम की 1854 से लेके, तो क्या पिक्चर बनेगी, बार बार राजा लोग हारे के फला हारे, फिर भी हारे फिर भी हारे, ले अपन सबको क्या मालूम है, अब लोग क्या मालूम आज पिक्चर बनाई जाए तो, लेकिन भैया आखिरी में जीतेंगे अपन ही, ये दृष्टांत है। ऐसे हम यहाँ कहना है चाहे जितनी अनादिकाल से पराजय हुई हो मोह राग द्वेष जीते हो, चाहे जितना कुछ हुआ हो, आखिरी में हम बोलो आगे बोलो हमें सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे तो ही होगा, केवल ज्ञान ही होगा, मोक्ष ही होगा, होगा एक बात याद आ गई, से रुके डॉक्टर साहब कहते हैं पढ़ाया करके, सब कथाएं दो तरह की होती हैं, कथाएं समझते हो, कथाएं स्टोरी दो तरह की, सुखांत और दुखांत, समझते हो दुखांत और सुखांत, तो सारे विश्व की स्टोरी दुखांत है लगभग लगभग लगभग, दुखांत समझते हो जिसके एंड में रोते रोते पैदा कर देते जाओ मर गए दो हीरो हीरो मर गए जाओ, जो दुखांत कहलाता है, और सुखांत कहलाता है तो दो ही खुश हो गए ना, तो समझे दुखान सुखान छह डाला सुखांत कहानी है, छह डाला पढ़िए सुखांत, पता भाई एंड कहां हुई, रहिए अनंत अनंत काल यथा तथा शिव जी, देखो सुखांत हो गया, चार जितने अवसर ले जाए, चार जितने परिचय जाए, चार जितने मच्छर खाए, चार अंतरा जाए, वही आज मस्त है, कागिरी मस्त है, बोलो इस श्रद्धा के बल पर आनंद है, मोक्ष ही होगा, विकार ही मिटेंगे, कौन मिटेगा विकार ही मिटेंगे, कैसा शुद्ध स्वभाव होगा जिसकी श्रद्धा के बल पर इतना आनंद आता है। और एक काम करो तुम्हें श्रद्धा खत्म हो जाए फिर चाय करके बता दो, श्रद्धा खत्म हो जाए आप चाय करके बता दो, बोलो तुम्हें अपनी पत्नी पर बसो भरोसा नहीं हो, और जो भरोसा ही जहर दे सकती है, अब तो उसके हाथ के बल में बड़ी बड़ी व्यंजन का आनंद लेके बताओ, जल्दी बोल रहे तो फिर बोले, तुम्हें ये शंका है विश्वास नहीं रहा पत्नी पर जी मुझे जहर दे सकती है, ये तुम्हें श्रद्धा हो गई, अब उसके हाथ के बने हुए मिष्ठान खा बढ़िया लो मजा मजा लेके बताओ, अरे बोलो इसका मतलब श्रद्धा विपरीत हो तो आनंद नहीं आता, ऐसी आत्मा के मामले में श्रद्धा विपरीत हो, अब चाहे जितने व्रत उपास करो चाहे मुनि बन जाओ चाहे तुम कुछ करो, श्रद्धा विपरीत है तो आनंद आ सकता नहीं,
उन्होंने कभी देखा देगा देगी कोई क्या देगा देगी, अपन ने उपवास कर लिया और उपवास देगा देगी कर लिया, श्रद्धा तो थी नहीं, श्रद्धा तो थी नहीं, उपवास कर लिया कैसा लगता है बता सकते हैं दिन भर की वहां से हम मानी जा रहे हैं उपवास में हम भूखे मरे जा रहे हैं हमने प्राण निकल रहे रोटी नहीं खा रहे मैंने वो उसको दिन भर श्रद्धा नहीं ना तो उसे आनंद नहीं आ रहा जी कह रहे अब बोलो भाई क्या करना है इसलिए श्रद्धा जरूरी है ज्ञान भी क्यों जरूरी है सभी भेदों को जानेगा कौन ज्ञान अभेद की श्रद्धा करेगा कौन श्रद्धा और इसी के साथ ही चारित्र का आनंद होगा इसलिए मैं इस कलस को फिर से पढ़ दिया आपको इसलिए घटित किया जय सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे करना मेहनत भाई थोड़ी सी गहरी बात है थोड़ी सी गहरी मतलब आप आत्मा दिखाई देती दिक्कत तो जाए और जो अपने आत्मा देखने भी नहीं जा भी आप रहते कोई लाखों में बेरल होगा जिसे आत्मा देख रही है हरी भाई जी ने गीत लिखा था मुझे देखना आत्म देव कैसा है अब जिसकी जिज्ञासा होगी ना वो कैसा है उसे तो मजा आएगा और नहीं ठीक है भैया पंडित जी की सेवा ली है अब अपन हारे था कि प्रवचन पूरे हो गए बचन गजिया से सुन लिए भैया आचार को कहां से लिख के गए भैया क्या से लिख गए भैया चप गए अब मंदिर में नहीं पढ़ेंगे तो बताओ मंदिर को कहा भैया तो ऐसे लोगों को समझ नहीं आएगी बात जिन्हें हाथ में खोज होगी उन्हें तो समझ आएगी तो ये रत्न तरह की बात ली बहुत सुंदर तरह से अब 17-18 नंबर की कथा है कल सुबह से अपन स्टार्ट करेंगे उसकी चर्चा करेंगे ओम नमः शिवाय।